और वो कह रहे थे कि चीजी समोसा है और चीज़, तो ये देख सकते हैं क्या। वाव वाव वाव, ये यहाँ पर मेरा मेरा नहीं, आलू का पुलाव। आपको सेफ रखा था, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, लेकिन सब इस मैं तुझे से आ गई हूँ, मैं 4 बजे गई थी और 6 बजे आ गई हूँ, और मैंने अच्छे से मसाला भून लिया है और मैं बना रही हूँ आलू वाला पुलाव। तो गाइस ये है राइस अभी। हेलो गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा यूनिक व्लॉग। तो आज एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं और एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो मॉर्निंग के बाद इवनिंग शुरू हो चुकी है, पीछे की आवाज़ को आप इग्नोर करना क्योंकि ये इसी टाइम आता है समोसे पापड़ी बच्चे जो कि बच्चे बड़े शौक से लेते हैं, लेकिन आज नहीं लेंगे क्योंकि आज मैं गई थी बाहर, तो मैं अपने बच्चों के लिए खुद समोसे लेकर आई थी, आप देख सकते हैं। और मैं अपने दिखाती हूँ, और सिपल गोदी में क्यों बैठी क्योंकि इसको जाना है ट्यूशन, और ये समोसा खाकर और फिर ट्यूशन जाएगी। तो मैं आपको समोसे दिखाती हूँ, और मैं कुछ चीज़ें वगैरह नहीं थी वो भी मैं घर के लिए कराई थी। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी, अपने मेरे साथ ही बने रहने, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और वीडियो को फुल वॉच किया करें। वीडियोज़ भी मैं डालती हूँ अपने चैनल पर, आप लोग शॉर्ट वीडियोज़ भी वॉच कर लिया करें। और अभी तक जिसको मेरा इंस्टाग्राम नहीं पता वो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकती है। कोई भी बात यूट्यूब के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, मार्क्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपने पूछ सकते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको बायो में लगा दूँगी और आप देख लेना। तो चले आपको दिखाती समोसे मज़ेदार, और एक और अच्छी चीज़ मैंने कहती वो मैं आपको दिखाती। और ये मैं सिबल को दूंगी क्योंकि सिबल खाकर तो ट्यूशन जाएंगे। सिबल आप फिनिश करो जल्दी से। और ये देखिए ये कितना अच्छा है, ये अरबिक समोसा है उन्होंने कहा, तो मैंने कहा चलो मैं भी ले आती हूँ और इसको देखती हैं कैसा है ये। और वो कह रहे थे कि चीज़ी समोसा है और चीज़, तो ये देख सकते हैं चीज़ तो होती नहीं, मैंने जिन्होंने डाला होता है तो कह देते हैं कि चीज़ी समोसा। खैर देखते हैं खाएँगे और पता चलेगा कैसा है, तो अभी हम सब टेस्ट करेंगे इसको, अगर अच्छा होगा तो फिर हम लोग और लेकर आएंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये सब समोसे अभी चाय बनेंगे और सब समोसे खाएंगे। हस्बैंड जी नहीं हैं, उनके लिए नहीं लाए क्योंकि ठंडा हो जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं, और वो ठंडी चीज़ नहीं खाते हैं। और ये साथ हमें मिली थी चटनियाँ जो कि अभी हम एक बॉल में डाल देंगे, तो फिर हम इंजॉय करेंगे। आप लोग भी आ जाएँ, और जिस जिसको खाना है वो भी आ जाए और आकर इंजॉय करें। और हेलीकॉप्टर घूम रहा है, हेलीकॉप्टर देखने का सिबल को बहुत ज़्यादा शौक है, अक्सर मुझे भी लगता है तो हेलीकॉप्टर को देखने के, वो कह रही हाँ मामा हेलीकॉप्टर ही आया है। तो बचपन से हम लोग देखते आते हैं, जब भी जहाज आता है फ़ौरन, पाकिस्तानी है ना, हमारी आदत है कहीं भी जहाज में जाते हैं हम फ़ौरन ऊपर देखते हैं, हेलीकॉप्टर आता है हम लोग ऊपर देखते हैं, तो अच्छा लगता है। यही आदतें हमारी जो आते हैं हमारे बच्चों के अंदर भी हैं, ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी, हमें फ़ख्र है, हम कोई भी चीज़ अपने अंदर नहीं रखते, महदूद करते, बल्कि अपने बच्चों को भी देते ताकि हमारे बच्चे भी वो चीज़ों को फॉलो कर सके। तो सिबल कभी जाते ट्यूशन, फिर जाते किचन में खाना वाना बनाते और देखते क्या बनाने के लिए मैंने। जी गाइस, शॉलमियत ने सिबल को ट्यूशन भिजवा दिया है, मैं तो चली गई थी किचन में, मुझे काम करना था, तो बता रही कि मम्मा ने सिबल को ट्यूशन भिजवा दिया। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। और शॉलमियत से मिले, शॉलमियत की भी तबीयत अब शुक्र है खुदावंद का ठीक हो चुकी है। तो आप लोग भी अपने बच्चों का और अपना बहुत ख्याल रखा करें, लेकिन ये जो वायरस होता है इससे तो कोई नहीं बच सकता। हमने भी बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ रखा था, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, लेकिन सब इसमें मुतला हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद जो तंदुरुस्त है उनको बरकत दे और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमेशा खुश रहा करें, और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। इतनी गर्मी है, समझ नहीं आता ये गर्मी कब जाएगी, तो गर्मी से बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, कुछ इस वजह से भी तबीयत ख़राब सबकी हो रही है और बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। तो मैं किचन में गई थी तो बहुत गर्मी लग रही थी, फिर मैं दोबारा घूम फिर के आ गई तो खाना पकाना बहुत मुश्किल है, और एक हमारी मेहमान भी हमारे छत पे रहती है, तो वो हर वक्त बस अभी जैसे ही हम लोग ऊपर जाने लगे थे तो वो फटाफट ऊपर भागी। मैंने कहा इधर ही रहना, ऊपर कहाँ जा रही है। तो एक बिल्ली है और बिल्ली का छोटा सा बीबी है जो यहाँ रहते, बहुत हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारे मनी प्लांट्स गिरा देते हैं, कभी क्या करते हैं क्या करते हैं, मतलब कि वो चाहते हैं हम उनको भी देखें, उनका भी ध्यान रखें। भी रखते तो हैं, कितना रखें, अब हर एक का ध्यान रखने का तो ठेका हम लोगों ने ले लिया है। तो चलिए बातें बातें तो होती रहेंगी, बिल्ली भी ऊपर से झाँक रही है, अब जैसे वो नीचे गई मैं आपको दिखाऊँगी और बिल्ली से भी मिलवाऊँगी, फिर वो पॉइंट बोलेंगे मैंने बिल्ली पाली
तो खुश रहें और मुस्कुराते रहें मेरी तरह, और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो अभी चाय बनाती हूँ मैं, समोसे तो आपने देख लिए हैं, समोसे तो आ चुके हैं, इससे पहले कि ठंडी हो जाए हम चाय बनाएंगे और पियेंगे, और साथ में आलू का पुलाव बनाने लगी हूँ और साथ सब्जी बनाने लगी हूँ। तो चलिए चलते किचन में, जब तक आप लोग वीडियो को वॉश करें। मैंने अच्छे से मसाला भून लिया है और मैं बना रही हूँ आलू वाला पुलाव, जैसे मैंने बताया था। तो बहुत मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जन तैयार हो गई। आज मैंने सोचा कि आलू की भुजियाँ बनाते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी बनी है। पहले मैंने यही बनाई क्योंकि लाइट का मसला होता है ना, फिर सालन तो बन जाए तो ठीक होता है। और अभी ये बनाएंगे तो जो पुलाव डन हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। और साथ से शॉलमेट बनाएगी, मज़ेदार से सलाद बनाती हैं, हरी मिर्ची प्याज और टमाटर का यम, बहुत मज़ा आता है पुलाव के साथ। मेरे साथ ही बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करेंगे। तो गाइस ये है राइस, अभी ये राइस को हमने वॉश कर लिया है और अब हम इसको पकाएंगे फिर खाएंगे, और जिन्हें आने वो आ जाए। ये ट्यूशन से भी आ गई है, मैं ट्यूशन से आ गई हूँ, मैं 4 बजे गई थी और 6 बजे आ गई हूँ, और अभी तो मैंने चाय पकाई थी, मैंने चाय पी है और अब वैसे वो सिखाए। और यहाँ पर डन हो चुका है, वाव वाव वाव, ये यहाँ पर मेरा नहीं आलू का पुलाव बनकर तैयार हो चुका है, और मज़ेदार और यमी। और आपको पता है ये मैं मिर्ची तो लाजमी डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को जिनको ज़्यादा वो नहीं पसंद होता फिर वो हरी मिर्ची यूज़ कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं आलू, कह रहे हैं मुझे भी दिखा दो, आलू को भी देखा और ये देखिए आ जाए, और देखिए कितना मज़ेदार सा यमी यमी से खिले खिले से राइस और वाइट पुलाव। सिबल ने कहा था मामा कलर वाले नहीं बनाना, मतलब कि वो जो हल्दी वगैरह डालते हैं वो नहीं डालना, वाइट वाला पुलाव बनाना। तो आज मैंने बनाया आलू वाला वाइट पुलाव, तो अभी सिबल को डाल के देंगे और सिबल खाएगी। यहाँ पर मैगी ले आया था मेरा बेटा, तो फिर शॉल में उसके लिए और अपने लिए मैगी तैयार कर लिए थे, फिर इन्होंने खूब इन्जॉय किया था। फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेटियों को खुद करनी चाहिए, और बेटियाँ जब करती हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे माँ बाप को भी पता चलता है कि हमारी बेटियाँ कर सकती हैं। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और वीडियो को फुल वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। ओके ओके, बाय, टेक केयर।